हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। दिस इज अ चैनल जहां हम सेलिब्रेट करते हैं अपनी दोस्ती को, मस्ती को एंड लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं यू चुटकियों में। दोस्तों, बहुत पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि किसी के साथ अपने रिश्ते को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे, बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारे लोग इससे एसोसिएट करेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप हमारे जीवन की मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट नीड है और हमें इस बात को समझना होगा। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि क्या आप कोका कोला कैन बनना चाहते हैं या बिस्लेरी की वाटर बॉटल? देखिए, लाइफ में जब कोई सिचुएशन आती है ना, तो या तो हम रिएक्ट करते हैं और या तो रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्ट करने में हमारी पावर खो जाती है, क्योंकि हम गुलाम बन जाते हैं सिचुएशंस के और उन लोगों के, देखिए। और जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम अपने मालिक होते हैं कि बाहर कुछ भी हो जाए, पर मेरी खुशी, मेरी शांति मेरे लिए बहुत कीमती है और मैं इसे किसी के लिए खोने नहीं दूंगा, मैं इसे किसी के लिए कुर्बान नहीं करूंगा। तो हमेशा इस बात को रिमेम्बर करें। तो पहली चीज़ हम क्या करेंगे अगर किसी से हमें अपने रिश्ते को सुधारना है? देखिए, रिश्ते खराब क्यों होते हैं दोस्तों? क्योंकि हमारे जो है एनर्जी एक्सचेंज होते रहते हैं, हम शब्दों के साथ साथ एनर्जी देते हैं। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो, अभी स्पीकिंग के ऊपर ये सर्वे हुआ कि 7% सिर्फ हमारे वर्ड्स मायने रखते हैं, बाकी हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी एनर्जी मायने रखती है। तो क्या होता है कि हमारे निगेटिव एनर्जी एक्सचेंज होता है, जो हम कह रहे हैं दूसरा समझ नहीं रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और उससे रिश्ते खराब होते हैं, हमारे ईगोस टकराते हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि हम सोचने लगते हैं कि वो इंसान ऐसा है, उसने ऐसे मेरे साथ बिहेव किया और उसकी गलती है, वो दोषी है, उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो हमें क्या करना, अपनी उस सोच को बदलना है कि वो व्यक्ति कैसा भी हो, पर अगर मुझे उसके साथ रिश्ते को ठीक करना है तो पहले मुझे उसके प्रति सोच बदलनी होगी। और इसके लिए आप पहले क्लीनिंग कर सकते हैं। मैंने होपोनो प्रेयर बताई है, सिंपली आप क्लीनिंग कर सकते हैं अपने हार्ट पे हाथ रख के, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। बहुत ज़रूरी है दोस्तों क्लीनिंग करना, क्योंकि जब आप नए रिलेशनशिप की बुनियाद रखते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये समय जो है एक जैसा है, पर ऐसा नहीं, हर मोमेंट नया है, हर मोमेंट में नए अवसर हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक नए रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए। तो आपको सबसे पहले क्लीनिंग करनी है, अपने हार्ट पे हाथ रखना है, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आपको कहना है जितनी बार भी आपको ठीक लगे, फिर उस पर्सन को सामने रखना है और यही चार सेंटेंसेस उसके लिए भी कहने हैं, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। बहुत ज़्यादा पावरफुल है यह प्रोसेस। और उसके बाद धीरे धीरे आपको उस पर्सन के प्रति अपना व्यू बदलना है, क्योंकि जिससे आप नाराज़ हैं, गुस्सा है ना, अगर वो कुछ अच्छा भी करेगा तो आपको गुस्सा आएगा उस पर कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन जो आपके दोस्त हैं वो आपको चार गालियाँ भी दे देते हैं तो आपको वो बिल्कुल संगीत जैसे लगते हैं। उसका कारण यही है दोस्तों, क्योंकि द आउटलुक इज हियर, हमें यहाँ से चेंज करना है। तो हमें चेंज करना है कि हम क्या चाहते हैं, जैसा हम उस रिश्ते को देखना चाहते हैं या उस पर्सन को देखना चाहते हैं। अगर उस इंसान की कोई बुरी आदत है जिसे हम चेंज भी करना चाहते हैं ना, तो हम उसका अपोजिट लिखेंगे। कोई इंसान अगर बहुत गुस्से वाला है तो हम क्या बोलेंगे या लिखेंगे, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट दिस पर्सन इज सो लविंग, काइंड एंड केयरिंग टूवर्ड्स मी एंड एवरीबडी। और रोज़ उसको लिखिए कॉपी में, जर्नलिंग कीजिए या बोलिए, महसूस कीजिए। वैसे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पावरफुल है लिखना। जो भी क्वालिटीज़ आप चाहते हैं उस इंसान में, उस आदमी का नाम लिखिए, उस इंसान का नाम लिखिए और वो जो क्वालिटीज़ हैं वो रोज़ लिखिए कॉपी में। ये भी लिखिए कि हमारा उसका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत हो गया है। दूसरी दोस्तों चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सोल लेवल पर माफ़ी मांगिए। जब दो लोग साथ बैठते हैं ना दोस्तों, तो दो ईगो टकराते हैं। लोग कहते हैं अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो बात करो, बात करने से कुछ नहीं होता। जो इस इंसान को नहीं पता है वो इंसान वो बात भी कह देता है और चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होती और ख़राब हो जाती हैं। तो मेरा तो मानना है कि किसी चीज़ को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है सोल लेवल की माफ़ी। तो सोल लेवल की माफ़ी आप कैसे मांगेंगे? आपको सिंपली उस इंसान के सामने नहीं जाना है, उस इंसान को इमेजिन करना है, या आप उसकी फ़ोटो को देख सकते हैं और उससे माफ़ी मांगें कि मैंने
अनचाहे और चाहे तरीके से जो तुम्हें दुख दिया, जाने अनजाने जो दुख दिया है, परेशान किया है, तुम्हें दुख हुआ है, नाराज किया, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। और फिर सामने वाले से, उसी फोटो से या इमेजिनेशन में ही आप ये भी कहिए जो आपको दिक्कत है, कि मैं नाराज हूँ क्योंकि तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तुमने ये कहा, तुमने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मेरे भीतर नाराजगी, और उसे मैं भगवान को रिलीज करती हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और तुम मुझे क्षमा कर दो। और आप देखें, अपने आप को इमेजिन करें कि सामने वाले व्यक्ति ने आपको क्षमा कर दिया है, एंड दिस वर्क्स गाइस। आप इसको यूज करिए, फिर मुझे बताइएगा। और उसके बाद जब आप ये माफ़ी मांग लेंगे ना, तो आप बहुत हल्का महसूस करेंगे, जैसे कि कोई इमोशनल हीलिंग हो गई, जैसे कुछ रिलीज़ हो गया है, कोई बहुत सारी निगेटिविटी रिलीज़ हो गई, और आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे। और फिर जो चौथी प्रोसेस है, आपको विजुअलाइज़ करना है कि उस पर्सन के साथ आप घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, चीज़ें बिल्कुल अच्छी हो गई, रिश्ता बहुत खूबसूरत हो गया है। आप अफर्मेशंस का भी यूज़ कर सकते हैं, वी बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स, वी बोथ आर वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है, सपोर्टिंग है इच अदर के लिए, और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये जो चार स्टेप्स मैंने आपको बताया ना गाइज, दे अमेजिंग, दे आर रियली अमेजिंग। अगर आप अपने लाइफ में किसी भी रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, तो ये जो चार स्टेप्स मैंने ये बताए हैं, इनको आप यूज़ कीजिएगा, और सच में ये लाइफ में मिराकल लाते हैं, चमत्कार लाते हैं। और हमेशा खुश रहिए अपने रिश्तों के साथ, ये रिश्ते जीवन में मुस्कुराहट लाने वाले होने चाहिए। हमेशा याद रखिए कि हमें खुश रहने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें खुशियाँ बांटने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। कभी भी अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर मत होइए, पर आप इतना भरिए भीतर से, इतना खुश होइए कि आपको शेयर करना है इन रिश्तों के साथ। लाइफ को खूबसूरत बनाना है, खुद को खूबसूरत बनाना है, और इन रिश्तों को भी खूबसूरत बनाना है। बाय बाय।